तो फ्रेंड्स, ठंड का मौसम आ गया है और शाम होते ही ठंड पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर गरम गरम चाय हो और बढ़िया सा नाश्ता हो, और ख़ास करके अगर चाय के समय में अगर कोई मेहमान आ जाए, तो आप सिर्फ क्या उसे चाय पिलाना चाहेंगे या उसके साथ में कुछ नाश्ता खिलाना चाहेंगे? ऑफकोर्स आप उसके साथ में कोई ना कोई नाश्ता तो खिलाना ही चाहेंगे। तो मैं सोच रही हूँ उनको आज मैं क्या खिलाऊँ जो उन्हें भी काफ़ी पसंद आ जाए। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मेरे घर में कुछ ब्रेड के स्लाइस पड़े हुए हैं, बॉइल्ड पोटैटो है और चीज़ भी है। तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरे किचन में साथ में मिलकर बनाते हैं चीज़ी ब्रेड पकौड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से कुछ ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और उन्हें हम टू पार्ट्स में इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे स्लाइस कट हो गए हैं। तो चलिए अभी बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक कप बेसन ऐड करेंगे और उसी के साथ में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। देखिए, आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से क्या होगा कि हमारे जो पकौड़े बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। ये हमारे पकौड़ों को फूलने में मदद करेगा और उसी के साथ में हम स्वादानुसार यहाँ नमक ले लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी का यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ में मैं थोड़ी सी अजवाइन का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो अजवाइन को स्किप कर सकते हैं, बट ये डालने से डाइजेस्ट सिस्टम में काफ़ी हेल्प होती है। तो अब इसमें 1/2 टीस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा गाढ़ा सा बैटर रेडी कर लेंगे। देखिए, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। बैटर बन के रेडी हो गई है। तो चलिए आगे क्या प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। तो तेल जैसे गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून हम जीरा और राई का चौक लगा देंगे। जीरा और राई जैसे ही चटक जाए उसमें हम कुछ कड़ी लीव्स डाल देंगे। कड़ी पत्ता जैसे ही चटक जाए तो अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, जिसे मैंने पेस्ट करके रखा था। बस ये 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे और अच्छे से इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। गैस का टेम्परेचर हम लो ही रखेंगे। अब उसी के साथ में इसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे। अब उसी के साथ में हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। आप चाहे तो चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसे एक बार हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम बॉइल्ड आलू डाल देंगे, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट से ग्रेटेड करके रखा था। तो चलिए इसे बढ़िया तरीके से अब हम मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम ऊपर से स्वादानुसार थोड़ा नमक डाल देंगे। देखिए, नमक को आप बैलेंस कर लीजिए और अच्छे से एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हम चला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बनकर पूरी तरह से रेडी हो गई है। तो चलिए इसे हम अभी ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक का ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से हम अपने हाथ पर ले लेंगे और जो हमने आलू की स्टफिंग बना कर रखी थी उसे इस तरह से इस पर सेट कर लेंगे और इसे प्लेट में अच्छे से सजा लेंगे। और बाकी जो ब्रेड के स्लाइस है उसे भी आलू के स्टफिंग के साथ में इस तरह से हम सेट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे ब्रेड के स्लाइस को हमने आलू के स्टफिंग से सेट कर लिया है। तो चलिए अभी कैसे बनाते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम प्लेट पर सजा लेंगे। आपके प्लेट में आप जितना चाहे उतना एक एक करके ब्रेड के स्लाइस को सजा लीजिए। अब इस तरह से हम चीज़ को अच्छे तरह से इसके ऊपर ग्रेट कर लेंगे। हर एक पकौड़े पर इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के साथ में हमारी चीज़ भी बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसमें दूसरा सैंडविच का जो पीस है जिसमें हमने आलू की स्टफिंग लगा के रखा था उसे एक साथ में चिपका देंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे, ये इस तरह से। बाकी के भी ब्रेड पकौड़ों को इस तरह से हम सेट कर लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे चीज़ी ब्रेड पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए अभी फटाफट इसे बैटर में डालते हैं और फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बैटर फ्रेंड्स, एक बार हम इस तरह से मिक्स कर देंगे क्योंकि बैटर पूरा नीचे बैठ जाता है। तो चलिए अभी ब्रेड पकौड़ों को इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो एक एक ब्रेड पकौड़ों को हम इस तरह से इसमें डालेंगे और गरम गरम तेल में हम फ्राई करेंगे। उधर हमने कढ़ाई पे गरम तेल भी चढ़ा दिया है, तो चलिए अभी तेल में इसे डाल देते हैं और बढ़िया तरीके से दोनों साइड अलट पलट करके हम इसे फ्राई कर लेते हैं। बाकी सभी चीज़ी ब्रेड पकौड़ों को हम इसी तरह से तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चीज़ी ब्रेड पकोड़े बनकर रेडी हो गई है। तो इसे हम अभी निकाल लेते हैं और पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को एक काट कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि ये कैसी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बढ़िया तरीके से चीज़ी चीज़ी बनी है। तो एक बार घर में ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे चीज़ी ब्रेड पकौड़े बनकर पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। तो आज की हमारी ये चीज़ी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।